महात्मा फुले समता परिषद भोजपुर के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित कुशवाहा और पंकज कुशवाहा के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम स्टेशन परिसर आरा में किया गया। भारत के स्वाभिमान गौरवशाली भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अपने पराक्रम और समाज सुधार के कार्यों से भारत को पूरी दुनिया में गौरव दिलवाया। सम्राट अशोक ने दुनिया भर में शांति के संदेश फैलाया। उनके ऊपर नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने अपनी रचनाओं में और इस संदर्भ में दिए गए साक्षात्कार में उन महान शख्सियत के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी एवं उनके विरुद्ध आधारहीन तर्क दिया है। साथ इतिहास विरुद्ध बात लिख करना सिर्फ बिहार के स्वाभिमान को ललकारा गया है बल्कि भारत की अस्मिता पर भी हमला किया गया है। सम्राट अशोक का लाट तीन सिंह की मूर्ति आज भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। यही नहीं उनका चक्र भारत माँ के तिरंगे की शान है। दया प्रकाश सिन्हा का यह कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अफसोस की बात है कि उस पुस्तक के लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित सभी पुरस्कार वापस लिए जाएं। जिस तरीके से अभी ललन सिंह ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया की शक्ति ही है जो आज हर नेताओं ने विरोध करने का काम किया बिहार के नेता। लेकिन जो दया शंकर सिन्हा है वो मनोवादी सोच का है और आरएसएस के इशारे पर ही हमारे देश के महान सम्राट अशोक महान पर टिप्पणी करने का काम, गलत टिप्पणी करने का काम किया। इसी के लिए आज हम लोग ये उसका पुतला जलाए हैं। आज पुतला जल रहा है। अगर आरएसएस के इशारे पर ये दया शंकर सिन्हा ये बोला है तो ये भाजपा के लिए खतरा की घंटी है। यूपी में भाजपा की घंटी अब डोलने वाली है और कहां सत्ता जाएगी। ये दया शंकर सिन्हा सबको लेकर बैठ गया है और जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस राज्य में बीजेपी का पत्ता गोल होगा। ये जो महान सम्राट अशोक ये कोई छोटा आदमी नहीं थे। क्या नाम हुआ? आज शेष भारत है। जिस समय बृहद भारत था उस समय सम्राट अशोक का शासन चलता था और उस शासन में यहाँ के मनुष्य चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। और जो नाटककार साहित्यकार हैं दया प्रकाश सिन्हा ने एक टिप्पणी किया और यह देखते ही देखते पूरा देश व्यापी विवादास्पद टिप्पणी बनी है, क्या चाहेंगे? दया प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा इस तरह का टिप्पणी करना और निंदनीय है। एक साहित्यकार होके एक कुशल राजा जो मैंने जिनके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में चक्र चलता है, उनका स्तंभ चलता है, उनके खिलाफ इस तरह का मैंने औरंगजेब की तुलना करना ये कहीं से संभव नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं, उनके द्वारा जो उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है उसे वापस होना चाहिए। ऐसाई में आरएसएस या जो भी भाजपा के दल सिंह हैं उनको बर्खास्त करें। चलिए ठीक है, हम लोग आज दया प्रकाश सिन्हा का हम लोग पुतला दहन किए हैं। उन्होंने समाज अशोक पर अभद्र टिप्पणी भी किए हैं, उनकी तुलना समाज अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी है। इसलिए सभी लोग जानता है समाज अशोक के शासनकाल में बकरी और बाघ एक तालाब पर पानी पीते थे। उनके विचारधारा पूरे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बाहर भी उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं। इनके शासनकाल में शांति की सद्भावना चल रही थी, इसलिए सभी वृक्ष से लेके और पक्षी तक भी स्वतंत्र थे, सभी लोग का सम्मान था, सब लोग स्वतंत्र था। उस आदमी के बारे में ये दया प्रकाश सिन्हा का बयान अब मैंने ये कहिए एकदम दयनीय है, ये पागलपन है। ऐसे महापुरुष का बयान एक औरंगजेब से करना, तुलना करना, इनके ये दिमाग का पागलपन है। सरकार से हम मांग करते हैं कि इनके जो भी पद्मश्री सरकार महामहिम के द्वारा मिला है इसको जल्दी वापस ले, इन पर मुकदमा करे। इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिए, नाना प्रकार के बयान दिए कि सम्राट अशोक बदसूरत थे, ये उनके चेहरे पर दाग था, वो क्रूर थे, नाना प्रकार के उन्होंने बयान दिए। ये
अशोभनीय है, दयनीय है। ऐसे महापुरुष पर बयान देना जो मन देश के महान है, उन्हीं के चलते भारतवर्ष विश्व गुरु कहता है, ऐसा सम्राट आज तक ना हुआ है और ना होगा अभी तक में। ऐसे आदमी महापुरुष पर बयान देना और समाज में जहर घोलने का काम, इसलिए कि सभी लोग जानता है सम्राट अशोक मौर्य वंश से आते थे, उस मौर्य वंश के वंशज को के खिलाफ, महापुरुष के खिलाफ बोलना, ये समाज में जहर घोलने का काम दयाशंकर ने किए हैं। वो चाहते हैं मरोबीती स्मृति हम लागू करें, हर ऐसे सरकारने पर ये अपना ऐसा बयान दिए हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग का इसी तरह आंदोलन चलते रहेगा। इसलिए समाज में जहर घोलना, सभी लोग सम्राट अशोक का ये मानसिकता की आपस में भाईचारा सभी लोग मिला के चले। आज भी हम लोग संकल्प लेते हैं झंडा के बनर तल नीचे, राष्ट्रीय झंडा के नीचे, उसमें भी सम्राट अशोक का संदेश रहता है। हम लोग संकल्प लेते हैं कि आपसी भाईचारा कामयाब रखे, लेकिन ये दया प्रकाश सिन्हा जो है ये आपसी भाईचारा में जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसे पर देशद्रोही मुकदमा होनी चाहिए। संकल्प सिन्हा मुर्दाबाद।